तो काफी टाइम से कोई वीडियो क्यों नहीं आ रही है? तो वेल चुरू कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था, जिसकी वजह से एक हफ्ते तक कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकते थे। एंड जब एक हफ्ता खत्म हुआ, मैंने बोला माया चोला पहाड़ों पे घूमने पैसे उड़ाने, लेकिन अब जबकि पैसे उड़ चुके हैं, मुझे पैसे की जरूरत है, तो भाई तुम्हारा वापिस आ गया। लाके देखा तो काफी कुछ इंटरेस्टिंग छूट गया है, काफी कुछ आने वाला है, अभी के लिए कुछ भी नहीं है। एंड मैं अब इस चैनल की बिल्कुल परवाह नहीं करने वाला, मुझे इसकी ग्रोथ से कोई मतलब नहीं है, मैं बस क्लिकबेट छापूंगा, व्यूज लूंगा, बस दैट्स इट। ग्रो होना होता तो हो गया होता लोल। Meanwhile, तुम बस मेरी बच्चोदी एंजॉय करो। तो वेल, सबसे पहले इंस्टाग्राम पे हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर इंडिया को फॉलो करें। एंड अब वोडाफोन आइडिया की बात करते हैं। हाँ, ये डूबती हुई कंपनी तो है, लेकिन मेरे को पसंद। एंड इस पे किसी ने बात नहीं करी, पर रीसेंट में ही वोडाफोन आइडिया ने अपना नया प्लान लॉन्च किया है अपनी नई सर्विस के लिए, जो की है वोडाफोन आइडिया मूवीज एंड टीवी। वी मूवीज एंड टीवी ओटीटी एग्रीगेटर ऐप है, जहाँ पे ओरिजिनल कंटेंट देखने को नहीं मिलता, लेकिन मल्टीपल ओटीटी का सब्सक्रिप्शन एक ही प्लान में मिल जाता है। इन्होंने शुरुआत करी थी 202 रुपए के प्लान के साथ, जिसमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार, सोने लिव, चौपाल, क्लिक और ब्लाना ब्लाना बहुत कुछ। लेकिन अब इन्होंने न्यू प्लान लॉन्च किया है, जिसको ये बुलाते हैं वी मूवीज एंड टीवी प्लस। पहले वी मूवीज एंड टीवी प्रो था, अब वी मूवीज एंड टीवी प्लस है। एंड प्लस वाले में दो ओटीटी ज्यादा आते हैं प्रो वाले से। दो ओटीटी ऐड किए हैं, जिसमें अब 46 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि नया प्लान है 248 रुपीज का। इसमें आपको प्रो में जो ओटीटी मिलते हैं वो मिलेंगे, प्लस में मिलेगा Z5 और उलू। इन्होंने ये चीज करी है प्यारे, एंड मैं श्योर हूँ कि धीरे धीरे इस सर्विस को एक्सपेंड किया जाएगा, क्योंकि अब जाके इनका मोबाइल ऐप, इनकी वेबसाइट एंड इनके टीवी के ऐप कंप्लीट हो चुके हैं। ये तो अपने ऐप्स पे अब ट्यूटोरियल भी दे रहे हैं कि भाई देखना कैसे है काम। अब देखो, एक्टिवेशन का ये है कि ये जितने भी ऐप देख रहे हैं वो सब आपको मिलेंगे, लेकिन डिज्नी प्लस हॉटस्टार और Z5 का कंटेंट इस ऐप में प्ले नहीं होगा। बाकी सारा कंटेंट इसी ऐप पे प्ले होगा, लेकिन हॉटस्टार और Z5 का उनके ही ऐप पे एक्टिवेट होगा। अब जैसे ही ये प्लान सब्सक्राइब करेंगे, वैसे ही हॉटस्टार और Z5 दोनों की तरफ से मैसेज आएगा कि ये सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट। तो आप अपने वी ऐप से इनको ओपन तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं नंबर पे एक्टिवेट होगा जिस पे आपने रिचार्ज करवाया। जैसे हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन आपके वोडाफोन आइडिया नंबर पे एक्टिवेट कर दिया जाएगा, फिर आप बस हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पे जाके लॉग इन कर लो एंड एंजॉय करो वर्ल्ड कप। एंड Z5 का भी सेम है, बस Z5 में अपने फोन नंबर से लॉग इन कर लो एंड आपका Z5 का सब्सक्रिप्शन वहां पे भी एक्टिवेट होगा, या फिर डायरेक्टली एक्टिवेट कर लो इनके ऐप से। देखो वर्डिक्ट क्या है, क्वालिटी वाइज बहुत ही सुंदर ऐप बनाया है, बहुत ही सेक्सी UI है, जियो सिनेमा से फार बेटर, बट अपने कॉम्पिटिशन से कंपेरेटिवली काफी एक्सपेंसिव है। जैसे अगर आपने ऑल इन वन OTT लेना है, तो सबसे सस्ता आपको टाटा प्ले ही पड़ेगा, बट टाटा प्ले का ऐप उतना खास नहीं है। एंड आगे बढ़े तो एयरटेल का बैलेंस है, ठीक है, उनके OTT इतने खास नहीं है, पर प्राइस में भी सस्ता है। वोडाफोन आइडिया में प्राइस ज्यादा है, लेकिन क्वालिटी अच्छी है, OTT कम है। और जियो तो सिंपली फुद्दू है, मतलब कम पैसे क्या मैं 100 रुपए भी ना दूं, पैसे वेस्ट क्यों करता है। वॉचो एंड OTT प्ले भी इतने वर्थ इट नहीं है। एंड मैं जल्दी इन सब पे डिटेल वीडियो निकालूंगा कि मतलब किसमें आपका होगा फायदा। बस यार, आज की वीडियो में इतना ही। इंस्टाग्राम पे प्लीज हॉलीवुड ब्लॉगर्स इंडिया को सब्सक्राइब फॉलो करें।